ये वक्तव्य जो है इसको नृत्या मंडप के मदरसाना मंडप कहते हैं। सामने तीन गर्भगृह व अल्टर कहते हैं। लेफ्ट साइड में अल्टर में गुरु परंपरा आचार्य षडगो सभी रहेंगे। तीन स्टेप से है, पहला स्टेप में लेफ्ट साइड के अल्टर में थ्री स्टेप से है। पहला स्टेप में गुरु परंपरा पांच मूर्तियां रहेंगे। सेकेंड स्टेप में चार प्रोमिनेंट आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तमदास ठाकुर, चार आचार्य रहेंगे। और थर्ड स्टेप में स्टैंडिंग पोजीशन में छह गोस्वामी रहेंगे, षड गोस्वामी, सनातनी इत्यादि, जो कि लाइफ साइज डेटीज होगा। जैसे प्रभुपाद जी के विग्रह मंदिर में देखते हैं, इसको कहते हैं लाइफ साइज डेटीज, छोटे नहीं, गुस्सा मूर्ति नहीं, लाइफ साइज। उसी तरह की गुरु परंपरा आचार्यों का लाइफ साइज डेटीज यहाँ पर इंस्टॉलेशन होगा। बीच में बा सेंटर में सेकेंड अल्टर में पंचतत्व तो होंगे, और तीसरी अल्टर में राइट साइड में देख रहे हैं राधा माधव अष्टम होंगे। अनेक भक्तों के मन में प्रश्न आता है, प्रभु जी राधा माधव सेंटर में रखे तो अच्छा होता, ऐसा विचार होता है, भक्त पूछते हैं। देखिए, इस मंदिर का नाम है मायापुर चतुर्देव मंदिर, रेजिंग मून ऑफ श्री मायापुर, गौरचंद्र है कि नहीं, उस चैतन्य चंद्र बा गौरचंद्र इस धाम की धामेश्वर है, इस धाम की ईश्वर है, इस धाम की धामी है। प्रत्येक धाम की एक ईश्वर होते हैं। जैसे आप बद्रीनाथ कहेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे बद्रीनारायण, आप कहेंगे रामेश्वर तो रामनाथ, द्वारका कहेंगे द्वारकानाथ, ऐसे ये मायापुर चंद्र माँ मायापुर नाथ, ये आप इसको कहते हैं गौरचंद्र, उनका नाम पर मंदिर है और उनको सेंटर में रहने की स्थान है। और राइट साइड में राधा माधव अष्टकी है। लेकिन तत्व के साथ भी हम देखते हैं गुरु परंपरा आचार्य षड गोस्वामी कृपा से हम महाप्रभु तक पहुंचते हैं, और महाप्रभु की कृपा से हम राधा कृष्ण तक पहुंचते हैं। ये भी तत्व के साथ सही है। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये तीनों फ्लोर में एग्जीबिशन होगा। भगवान